Hello class, today we will do chapter 11, Changes in Arts, Painting, Literature and Architecture. So in this chapter, we are going to learn about the developments in art and literature during the late 19th and 20th centuries. 19th century or 20th century mein kya -kya changes aaye hamari art and literature mein. New trends in architecture, development of the printing press and prominent literary works of the period specimens of modern indian art and literature as sources for the colonial period so let's start with the chapter it is on page number 89 of your social book so in this chapter we would explore how the world of visual arts is related to the wider history of colonialism and nationalism new developments in art art make kaka -kya development ho विथ द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर मुग़ल पैट्रोनिज टू आर्ट ऑल्सो डिक्लाइन तो जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को ख़त्म कर दिया था अपने कंट्रोल में इंडिया को ले लिया था तो जैसे जैसे मुगल ख़त्म होते गए वैसे वैसे उनके द्वारा लाई गई आर्ट लिटरेचर आर्किटेक्चर पर भी असर पड़ने लगा और वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे द पेंटर्स from द मुगल कोर्ट्स मूव्ड टू साउथ इंडिया एंड सम moved टू द Himalayan स्टेट्स इन द नॉर्थ सीकिंग patronage. तो मुग़ल कोर्ट में जितने भी आपके पेंटर्स थे कुछ साउथ इंडिया चले गए तो कुछ हिमालयन स्टेट्स में माइग्रेट कर गए चले गए वहाँ पर छोड़कर आप समझ रहे हैं कि आर्टिसंस जाने लगे थे हमारे पीजेंट्स भी परेशान थे ब्रिटिशर्स से तो जब पेंटर्स मुगल्स ही नहीं रहे तो मुगल के कोर्ट के पेंटर्स भी कहाँ जाते तो कुछ गए साउथ इंडिया और कुछ गए हिमालयन स्टेट्स टू ऑफ द रीजनल स्टाइल्स दैट गेन इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड वर द राजस्थानी स्टाइल एंड द पहाड़ी स्टाइल तो दो तरीके के स्टाइल यहाँ पर फेमस होने लगे द पेंटिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज स्कूल्स डिपिक्टेड माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द डे टू डे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल इंक्लूडिंग रिलीजियस सेरेमनीज एंड कोर्ट सीन्स तो इन पेंटिंग्स में क्या चेंज था कि इस पेंटिंग में लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं उसकी छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई थी ओके okay, इसके अलावा वो रिलीजियस सेरेमनीज़ कैसे करते थे हमने पढ़ा है कि इंडिया में सेरेमनीज़ रिलीजियस सेरेमनीज़ का, का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है काफ़ी समय से यहाँ पर रिचुअल सेरेमनीज़ होती आई हैं इसके अलावा कोर्ट सीन्स कोर्ट सीन्स का मतलब जो दरबार में हुआ करता था इस टाइप की पेंटिंग दिखने लगी दिस पेंटिंग्स रिवील द यूज़ ऑफ रिच प्लैंड ऑफ कलर्स समेमो बेस्ड ऑन इंडियन मेलडीज़ कॉल्ड माला तो काफ़ी सुंदर कलर से ऐसी पेंटिंग्स को तैयार किया जाता था और यहाँ पर इंडिया की जो मेलोडीज थी उनको भी इंक्लूड किया जाने लगा एन अदर क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट बिकेम क्वाइट पॉप्युलर ड्यूरिंग दिस पीरियड वर तंजोर एंगलाइज्ड नेम ऑफ थंजावर पेंटिंग्स दिस क्लासिकल आर्ट फॉर्म हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इट्स प्लेस ऑफ ऑरिजिन तो तंजोर पेंटिंग्स बड़ी ही ट्रेंड में आने लगी उस समय पर और तंजोर नाम इसको मिला क्योंकि ये वहीं से ओरिजिन हुई थी और वहीं से ओरिजिनेट हुई थी वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी पैलेस इंटीरियर्स ऑफ थंजावर वर कवर्ड विद मुरल डेकोरेशंस बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम द पुरान न इमर्जेंस ऑफ इंपीरियल आर्ट फॉर्म्स द यूरोपियंस ब्रॉट अबाउट न्यू ट्रेंड्स इन आर्ट अब ब्रिटिशर्स आए यूरोपियंस आए यूरोपियंस अपनी ही एक अलग आर्ट लेकर आए अलॉन्ग विद मर्चेंट्स मैनी आर्टिस्ट फ्रॉम यूरोप केम ऑल्सो केम टू इंडिया दे ब्रॉट विद द न्यू टेक्निक्स एंड अप्रोचेज सच एज द आइडिया ऑफ रियलिज्म तो यूरोप से जिस तरीके से हमारे देश में ट्रेडर्स आए व्यापार करने के लिए भाई ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स आए इसी तरीके से यूरोप से कई सारे पेंटर्स और आर्टिस्ट भी हमारे कंट्री में आए द पेंटर्स इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक कॉल्ड ऑयल पेंटिंग एंड मेड लाइफ लाइक पेंटिंग्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द एग्जिस्टिंग मिनिएचर फॉर्म्स हाउ एवर द मेन फोकस ऑफ इम्पीरियल आर्ट वॉज टू पोर्ट्रेट द सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश पीपल एंड देयर कल्चर तो भाई पहले अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को ये लोग पेंटिंग में दिखाते थे पर क्योंकि चेंज होने लग गया था ब्रिटिशर्स के आने के बाद और यूरोप से पेंटर्स भी आए आर्टिस्ट्स भी आए चेंज ये हुआ कि जहाँ पहले कोर्ट के सीन्स दिखाए जाते थे जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरबार में क्या हो रहा था इसकी पेंटिंग बनाई जाती थी राजा की पेंटिंग बनाई जाती थी मुगल एम्प्रर्स की पेंटिंग बनाई जाती थी ओके इसके अलावा हमारे इंडिया की जो मेलोडीज थी उनको इंक्लूड किया जाता था पर अब जो पेंटर्स आ रहे थे जो आर्टिस्ट्स आ रहे थे वो ब्रिटिशर्स की सुपीरियरिटी को दिखाते हुए पेंटिंग्स बनाते थे यानी कि किन की पेंटिंग्स बनती थी ब्रिटिशर्स की ऑयल पेंटिंग ट्रेंड में आ गया नौ लैंडस्केप पेंटिंग सम यूरोपियन आर्टिस्ट फॉलो द पॉपुलर एम्पीरियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप पेंटिंग इन दिस स्टाइल इंडिया वॉज शोन टू बी अंट लैंड दैट नीडिड टू बी एक्सप्लोर्ड बाय द एडवेंचरस ब्रिटिश आर्टिस्ट्स तो अब लैंडस्केप पेंटिंग बनने लगी लैंडस्केप पेंटिंग एक स्टाइल था एक्चुअली जिसके अंदर इंडिया को इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता था कि इंडिया में बहुत कुछ है पर उसको एक्सप्लोर ब्रिटिशर्स कर रहे हैं यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उनके आर्टिस्ट कर रहे हैं इंडियाज लैंडस्केप वॉज शोन एज रग्ड एंड वाइल्ड मतलब इंडिया को ये लोग बहुत खराब दिखाते थे रफ दिखाते थे गंदा दिखाते थे जंगली सा दिखाते थे थॉमस डैनियल एंड हिज नेफ्यू विलियम डैनियल बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप पेंटिंग न पोर्ट्रेट पेंटिंग एक हो गई आपकी लैंडस्केप दूसरी थी आपकी पोर्ट्रेट पेंटिंग Patronized by the rich and the powerful, the art of portrait painting became very popular in colonial India. Earlier, miniature portraits of most Indian rulers were made. The Europeans produced portraits in much larger size, which reflected the wealth, status, and lavish lifestyles of the personalities whose portraits were painted. So, Raja Maharaja, and Indian rulers, Raja Emperors. सुल्तान थे इनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी इनको बड़ा ही पावरफुल बड़ा ही ग्रैंड बड़ा ही शानो शौकत के संग उस पेंटिंग में दिखाया जाता था ये इसका एक एग्जाम्पल्स आपको हमारे मोन्यूमेंट्स में और म्यूजियम्स में मिल सकता है आप म्यूजियम में जाइएगा म्यूजियम में आपको बड़ी बड़ी पेंटिंग्स मिलेंगी इंडियन रूलर्स की और बड़ा ही उनका जो पेंट करते थे उसके आसपास का जो पेंट करके माहौल दिखाया जाता था वो ऐसा लगता था कि मतलब ग्रैंड दिखाते थे उसको बड़े ही अच्छे से पोशाक में आपको राजा पेंट मतलब राजा की पेंटिंग मिलेगी उसके कोट दिखेंगे, उसकी बड़ी सी थ्रोन नजर आएगी पर जैसे जैसे टाइम बदला यूरोपियंस आए यूरोपियंस ने अपना वेल्थ अपना स्टेटस दिखाते हुए पेंटिंग्स बनवाना शुरू किया जॉन जॉफनी एंड जॉर्ज विलीसन

तो ब्रिटिशर्स तो उनसे पेंटिंग्स बनवाते ही थे इसके अलावा हमारे यहाँ के भी कुछ नवाब कुछ रूलर्स ऐसे थे जो अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे जैसे कि अगर हम बात करें नवाब ऑफ़ अवध की तो अवध नवाब ऑफ़ अवध ने टेली टेली कैटल को अपॉइंट किया कि भाई मेरी पेंटिंग बनाओ देखो ये है द तो पेंटिंग ऑफ द नवाब ऑफ़ अवध सुजाउद दौला बाय टिली कैटल नो हिस्ट्री पेंटिंग अब हम बात करेंगे हिस्ट्री पेंटिंग की तो देखिए हमने सबसे पहले किसकी बात करी हमने बात की थी लैंडस्केप पेंटिंग की जिसमें इंडिया को बड़ा ही रफ रग्ड दिखाया जाता था दूसरी हमने बात करी पोर्ट्रेट पेंटिंग की जिसमें ब्रिटिशर्स को और जैसे किसी का पिक बनाया जाता किसी का पेंटिंग बनाई जाती थी पिक नहीं पेंटिंग बनाई जाती थी उसको बड़ा ही ग्रैंड दिखाया जाता था उसकी बड़ी ही लैविश सी पेंटिंग uh, बनाई जाती थी जिसमें उसकी वेल्थ नज़र आए उसका स्टाइल नज़र आए कुछ हमारे इंडियन रूलर्स भी थे जिन्होंने ऐसे पेंटर्स को काम दिया और अपनी पेंटिंग्स बनवाई जैसे कि ये थे आपके नवाब ऑफ अवध अब हम बात करेंगे हिस्ट्री पेंटिंग की एन अदर पॉपुलर फॉर्म ऑफ एम्पीरियल आर्ट वॉज हिस्ट्री पेंटिंग दैट यूज थीम्स फ्रॉम वेरियस एपिसोड्स ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियल हिस्ट्री the painters depicted the british and their actions in the favorable light these paintings displayed the power and supremacy of the british तो history painting के अंदर ब्रिटिशर्स uh, से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई जाती थी जिसमें कि ब्रिटिशर्स को सुप्रीम बताया जाता था मतलब ब्रिटिशर्स सबसे ऊंचे हैं uh, सबसे ज्यादा सुप्रीम हैं उनसे ऊपर कोई नहीं है फ्रांसिस हेमन्स

बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव का स्वागत कर रहा है तो इस टाइप की जो इमेजेस थी ये पब्लिक प्लेसेस पर लगाई गई जिससे लोगों को पता लगे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया को जीत रहे हैं नॉट चेंजिंग स्टेटस ऑफ द कोर्ट आर्टिस्ट तो पह, उन आर्टिस्ट के बारे में अब हम बात करेंगे जो पहले हमारे यहाँ के नवाब या हमारे यहाँ के एम्परर्स के कोर्ट में हुआ करते थे उनके साथ क्या हुआ The advent of the European painters affected the lives of various court artists. Some Indian rulers, such as Tipu Sultan of Mysore, tried to protect the Indian artists and their art forms by patronizing them. The walls of the Mysore palace were covered with paintings done by local artists. तो जैसे-जैसे हमारे जो इम्परर्स थे, रूलर्स थे, वो खत्म होते जा रहे थे और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हमारा इंडिया जाता जा रहा था। उसके साथ साथ जो आर्टिस्ट थे जो वहाँ के जो हमारे यहाँ के रूलर्स के कोर्ट में हुआ करते थे उन आर्टिस्ट का भी काम ख़त्म होता जा रहा था उन्हें काम नहीं मिल रहा था पर कुछ रूलर्स ऐसे थे जो कि चाहते थे कि हमारे इंडिया के आर्टिस्ट बचे रहें उनमें से एक थे आपके टीपू सुल्तान उन्होंने ऐसे आर्टिस्ट को काम दिया अपने पास बुलाया रखा उन्हें और मैसूर का जो पैलेस है उसकी दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं आप देखिएगा अगर आपको जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पर या गूगल पर उसकी पेंटिंग्स देखिएगा बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स हैं सबसे ख़ास बात उस पैलेस की है कि दीवारों पर तो है ही प्लस उसकी जो सीलिंग है यानी छत है और उसकी जो फ्लोर है वहाँ पर भी आर्टिस्ट्स ने पेंटिंग्स बना रखी हैं मैंने खुद पर्सनली देखा है बहुत ही सुंदर पैलेस है वो हाउ इन अदर प्लेसि मैनी लोकल आर्टिस्ट सन टू द ब्रिटिश फॉर पेट्रोनेज इन बेंगाल द ब्रिटिश मैनेज टू अपॉइंट पपेट रूलर्स एनकरेज द लोकल पेंटर्स टू अडॉप्ट द यूरोपियन इन लोकल पेंटिंग्स जब ऐसे लोगों को काम नहीं मिला जो लोकल आर्टिस्ट थे उन्हें काम नहीं मिल रहा था तो उन्हें ब्रिटिशर्स के पास ही जाना पड़ा अपने काम के लिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपॉइंट किया रखा पर उनका मानना यह था ब्रिटिशर्स का कि अगर हम इन पेंटर्स को काम दे रहे हैं तो ये उसी तरीके से पेंटिंग्स बनाएंगे जैसा कि हम चाहते हैं हमारी टेक्निक से ही ये लोग पेंटिंग ड्रॉ करेंगे दे अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स फेस्टिवल्स ट्रेड क्राफ्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स दीज पेंटिंग्स वर कलेक्टेड बाई द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड केम टू बी नोन एज कंपनी पेंटिंग्स दीज़ ऑफन सर्वड एज मेमोरीज ऑफ देयर स्टे इन इंडिया तो ये जो लोकल आर्टिस्ट थे इन्होंने कई सारी पेंटिंग्स बनाई फेस्टिवल्स की ट्रेड की क्राफ्ट की और उसके बाद इन ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स थी वो कंपनी की थी तो इसलिए इनका नाम रखा गया कंपनी पेंटिंग्स और ये इनकी यादें बनकर इंडिया में रह गई नवकाली घाट पेंटिंग्स

और थोड़ी सी उभरी हुई होती थी वो पेंटिंग्स ग्रेजुअलीज पेंटर्स स्टार्ट ब्रिटिश रूल इन 19th सेंचुरी तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे इनकी पेंटिंग्स में भी ब्रिटिशर्स की झलक देखने को मिली कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स अपना काम करते हैं तो ये भी जो पेंटिंग्स बनाते थे इसमें धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का आपको काफी सारे ट्रेसेस देखने को मिलेंगे

के इसको इस टेक्निक का नाम था लिथोग्राफी लिथोग्राफी क्या होता है कि आपने सबसे पहले पत्थर पर एक आउटलाइन बना ली जो भी आपको ड्रॉ करना है उसकी आपने आउटलाइन बना ली और उसके बाद आपने उसको पेपर पर दोबारा से रिप्रोड्यूस करवाया विद द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स एंड इमेजेस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड चीप प्राइसेस इन द मार्केट पर जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई वैसे ही बहुत सारी पिक्चर्स इमेजेस प्रिंट होकर मार्केट में बहुत सस्ते में बेची जाने लगी राजा रवि वर्मा वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटर्स ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी वॉज राजा रवि वर्मा हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द महाराजा ऑफ त्रवन कोर इन केरला तो नाइनटीन्थ सेंचुरी के जाने माने पेंटर थे राजा रवि वर्मा ही ट्राई टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वॉज बोथ मॉडर्न एंड नेशनल he painted themes from Indian mythology using the Western techniques of oil painting and realistic life study तो इंडियन माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथा ओके okay? पौराणिक कथा का मतलब जो पुरानी पुरानी कहानियाँ हैं हमारे इंडिया इंडिया की और जो मान्यताएँ हैं उनको डिपेक्ट करते हुए ये पेंटिंग बनाते थे पर जो इनका स्टाइल रहता था वो इंडियन नहीं था वो वेस्टर्न था यानी कि ये ऑयल पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया करते थे ऑयल पेंट ऑयल से मतलब ऑयल जितने भी कलर्स होते हैं उनको यूज़ करके ऑयल पेंटिंग्स बनाया करते थे कर बनाते थे इंडियन माइथोलॉजी की ही डिपिक्टेड ऑन कैनवास स्टोरीज ऑफ महाभारत एंड रामायण एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट अ न्यू स्ट्रीम ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट इमर्ज इन बंगाल एंड सपोर्टेड द आर्ट फॉर्म डेवलप्ड बाई अबनिंद्र नाथ टेगोर वॉज नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर तो अब कुछ और नए आर्टिस्ट आने शुरू हो गए वो थे नेशनलिस्ट आर्टिस्ट जो कि सपोर्ट करते थे अमरिंद्र नाथ टैगोर की आर्ट्स को दे डिसग्रीड विद द आर्ट फॉर्म डेवलप्ड बाय राजा रवि वर्मा एंड ब्लेम्ड दैट इट वाज मोर इमिटेटिव एंड वेस्टर्नाइज तो ऐसे लोगों को आ, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई जितनी भी आर्ट्स थी वो पसंद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये कॉपी की गई हैं दे बिलोंग्स टू द बेंगाल स्कूल ऑफ आर्ट टू डेवलप अ मोर इंडियनाइज आर्ट फॉर्म आर्ट फॉर्म दे डेवलप्ड न्यू पेंटिंग्स बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड द एशियन आर्ट ऑफ मुराल पेंटिंग अभनेंद्र नाथ टेगोर बेस्ट नॉन पेंटिंग वॉज दैट ऑफ भारत माता तो देखो इसको अंडरलाइन कर लो मैंने पहले ही सर्कल किया हुआ है कि जो अभनेंद्र नाथ टैगोर की सबसे फेमस आर्ट है वो है भारत माता की पेंटिंग गगनेन्द्र नाथ टेगोर एंड जैमिनी रॉय वेमस पेंटर्स बिलोंगिंग टू दिस स्कूल दीज आर्टिस्ट वर ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाई जैपनीज आर्ट फॉर्म रविंद्रनाथ टेगोर स्टैब्लिश्ड स्कूल ऑफ पेंटिंग कला भवन इन शांति निकेतन इसको अंडरलाइन करिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल भी बनाया था पेंटिंग के लिए स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड इसको बनाया गया था शांति निकेतन में नंदलाल बोस अ स्टूडेंट ऑफ अभिनन्द्र नाथ टैगोर वॉज अ प्रोमिनेंट टीचर ऑफ दिस स्कूल अदर फेमस पेंटर्स ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी वर अमृता शेरगिल बैनर बिहारी मुखर्जी ए रामचंद्रन एंड मैनी अदर्स अमृता is considered one वन ऑफ द मोस्ट women पेंटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी तो अगर हम विमेन पेंटर्स की बात करें तो अमृता शेरगिल काफ़ी फेमस थी उस टाइम पर डेवलपमेंट्स इन म्यूजिक तो आप सब जानते हैं जिस तरीके से ड्राइंग पेंटिंग करना एक आर्ट है इसी तरीके से म्यूजिक भी एक आर्ट है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक मेड ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ट्वेंटी सेंचुरी म्यूजिक बिकेम पॉपुलर अमंग द मासिस पंडित विष्णु नारायण रोड द फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक तो सबसे पहली किताब जो क्लासिकल म्यूजिक पर लिखी गई इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर वो लिखी पंडित विष्णु नारायण जी ने ही क्रिएटेड एंड एक्सप्लेन द राग्स इन एन ईजी लैंग्वेज पंडित विष्णु दिगंबर वॉज अ फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर वेस्टर्न म्यूजिक ऑल्सो हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन म्यूजिक सीन एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट सच एज द वर अडोप्टेड तो वेस्टर्न म्यूजिक की झलक भी हमारे इंडियन म्यूजिक में देखने को मिली दूसरा वहीं से हमने अडॉप्ट किया वायलिन को इन साउथ इंडिया रूलर्स ऑफ मैसूर प्रोवाइडेड पेट्रोन टू म्यूजिशियंस हू बिलोंग टू द जनरी ऑफ कॉनटिक म्यूजिक त्यागराज मुत्तुस्वामी एंड श्याम शास्त्री वर कंसिडर द ट्रिनिटी ऑफ कॉनिटिक म्यूजिक नाव रविंद्र संगीत सो अ न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक रिटर्न एंड कम्पोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर एडेड अ न्यू डाइवेंशन टू इंडियन म्यूजिक इन जनरल एंड बेंगोलिक म्यूजिक इन पर्टूलर टू एक नई फॉर्म आई म्यूजिक की और उसको लेकर आए रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर रोड समू थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सॉन्ग्स डीलिंग विद वेरी थीम्स अलग अलग थीम पर इन्होंने देखो लगभग लगभग ढाई हजार गाने लिखे दे वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फोक सॉन्ग्स एज वेल एज वेस्टर्न म्यूजिक रविंद्र संगीत हैज़ इवॉल्व्ड इन टू अ डिस्टिंक्टिव स्कूल ऑफ म्यूजिक विद मैनी फेमस एक्सपोनेंट्स नाउ डेवलपमेंट्स इन डांस तो जैसे म्यूजिक एक कला है वैसे ही डांस भी एक कला है डांस भी एक आर्ट है India has had a long tradition of dancers and dance styles since the ancient period. तो ये देखो ये हम सबको पता है कि एशियन पीरियड में भी अगर कुछ भी खुशी का माहौल होता था इवन हार्वेस्टिंग भी होती थी तो भी लोग गाना गाकर और डांस करके अपनी खुशी को जाहिर किया करते थे तो एशियन टाइम से ही डांस हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है हाउ वेब अर्लियर डांस परफॉर्मेंसिस वर हेल्ड एट टेम्पल्स और इन कोर्ट्स इन द ट्वेंटी सेंचुरी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंसेज वर ऑर्गेनाइज ऑन स्टेज तो ट्वेंटी एथ सेंचुरी से पहले पहले जो गाने न, ये जो डांस होते थे ये होते थे टेम्पल्स में और कोर्ट्स में यानी दरबार में पर ट्वेंटी सेंचुरी से ये जो डांस था म्यूजिक था ये स्टेज पर आ गया रुक्मिनी देवी वॉज अ फेमस भरतनाट्यम डांसर हु इस्टैब्लिश्ड द स्कूल डांस स्कूल कला क्षेत्र she faced many protests as earlier this dance form was practiced only by devdasis in the temples तो जब इन्होंने कला क्षेत्र की शुरुआत की तो काफ़ी इन्हें अपने अगेंस्ट चीज़ें देखने को मिली क्योंकि लोगों ने ये पसंद नहीं किया क्योंकि ये माना जाता था कि जो भरतनाट्यम डांसर हैं और इन्होंने जो अपना स्कूल खोला है ये स्कूल ऐसे नहीं खोल सकती और जो डांस फॉर्म ये सिखाना चाहती हैं वो सिर्फ टेम्पल्स में देवदासी ही कर सकती हैं इन शांति निकेतन अ न्यू डांस फॉर्म कॉल्ड रुबिंद्र नृत्य इवॉल्व विच वॉज अ ब्लैंड ऑफ मेनी डिफरेंट डांस फॉर्म्स नाउ उदय शंकर ही इज रिगार्डेड एज द पैनियर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया अंडरलाइन करिएगा इसे अ वर्ल्ड रिओम्ड इंडियन डांसर एंड कोरियोग्राफर ही वॉज बेस्ट नोन फॉर अडेप्टिंग वेस्टर्न थेट्रिकल टेक्निक्स टू द ट्रेडिशनल इंडियन टेक्नीस तो ये फेमस इसलिए थे क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही टेक्निक्स को मिला दिया था ही वॉज स्ट्रांगली इंफ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन बैले ही प्लेसड इंडियन डांस ऑन द वर्ल्ड मैप बाई परफॉर्मिंग इन वेरियस वेस्टर्न कंट्रीज और देखो इन्होंने पूरे विश्व में काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने जहाँ इन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंसेस दी और लोगों को हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में पता लगा नाउ डेवलपमेंट्स इन लिटरेचर देयर वाज अ रैपिड ग्रोथ इन इंडियन लिटरेचर इन द एंड नाइनटीन्टी सेंचुरीज वेल अर्लियर राइटिंग्स वर इन संस्कृत अरेबिक पर्शियन और इंग्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रेट लिटरेरी वर्क वोड्यूसड इन वर्नेकुलर लैंग्वेजेज एज वेल तो देखो पहले जो किताबें लिखी जाती थीं जो लिटरेरी वर्क होता था लिटरेरी वर्क का मतलब जितनी भी किताबें मैगजीन या कुछ भी लिखे हुए जो होता है काम दैट इज़ लिटरेरी वर्कस तो जो पहले लिटरेरी वर्क होता था वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होता था चाहे वो अरेबिक हो चाहे वो संस्कृत हो पर बाद में ये वर्नकुलर लैंग्वेज में भी लिखी जाने लगी मतलब जो लिटरेरी वर्क था उसको वर्नैकुलर लैंग्वेज में लिखा जाने लगा वर्नैकुलर लैंग्वेज होती है हमारी लोकल लैंग्वेज ओके तो जिस जगह पर लिटरेरी वर्क किया गया जिस जगह का था वो उसी भाषा में उसको तैयार किया गया जिससे वहाँ के लोकल लोग भी उसको पढ़ पाए द फॉलोइंग फीचर्स हैव बीन विटनेस्ड इन द लिटरेरी वर्क ऑफ दिस पीरियड द राइटर्स डू इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीडे लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल दे आर सफरिंग्स जॉयज़ एंड स्ट्रगल्स अर्ली लिटरेचर वर्ल्स मेनली बेस्ड ऑन रिलीजन एंड माथोलॉजी तो देखो चेंजेस क्या क्या हुए लिटरेरी वर्क में पहले लोग भगवान के बारे में लिखते थे पौराणिक कथाओं के बारे में लिखते थे देवी देवताओं के बारे में लिखते थे ओके लिटरेरी वर्क जो होता था जो पुराण लिखे जाते थे पर अब जो लोग लिटरेरी वर्क करते थे वो लोगों की ज़िंदगी को देखते हुए करते थे लोगों की खुशी बताते थे किस चीज़ में खुशी है उनकी क्या उनको दिक्कत है क्या परेशानी है ओके okay. uh, उनकी स्ट्रगल्स क्या हैं किन चीज़ों से वो गुजर रहे हैं तो जैसे जैसे चेंज आया वैसे वैसे राइटर्स के अंदर भी चेंज आया और वो पौराणिक कथाएं छोड़कर कर कहाँ आ गए लोगों के बारे में लिखने के लिए मैनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग एज शॉर्ट स्टोरीज एसेज एंड ड्रामाज वर रिटर्न इन प्रोज स्टाइल अर्ली लिटरेरी वर्क वर मेनली कम्पोज इन वर्स लिटरेचर बिकेम अ टूल फॉर द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स एज वेल नेशनल लीडर सच एस महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू रोड पावरफुल वर्क इन इंग्लिश तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को भी काफ़ी सपोर्ट uh, मिला किताबों से लिटरेरी वर्क से क्योंकि महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेशनलिस्ट थे जिन्होंने किताबें लिखीं जिन्होंने उस समय आर्टिकल्स लिखे जिससे लोगों तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो भी जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी लाते थे तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो भी चीज़ें उन्हें पता लगती थी वो इनके लिटरेरी वर्क से ही पता लग पाती थी लिटरेचर रिफ्लेक्टेड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मैनी ऑफ इंडिया मोस्ट फेमस लिटरेरी मास्टर पीस इज इन बेंगोली रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर फॉर वर्क गीतांजलि इसको अंडरलाइन करिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नाइनटीन में क्या मिला था नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर ही रोट अ लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स सॉन्ग्स एसेज नॉवल्स प्लेज एंड शॉर्ट स्टोरीज शरद चंद्र चैटर्जी बंकिम चंद्र चैटर्जी एंड माइकल मधुसूदन दत्त वेमस बंगाली राइटर्स शरद चंद्र नोवल नॉवल्स सच एज परिनीता एंड देवदास रिफ्लेक्टेड द लाइफ ऑफ कॉमन मेन एंड वीमेन एंड बिकम बिकेम ह्यूजली पॉपुलर तो देखो ये तो हमें भी पता है इवन इन पर तो बुक आ, क्या बोलते हैं मूवीज भी बन चुकी हैं परिनीता मूवी बनी है देवदास मूवी बनी है तो इन्हीं ये शरद चंद्र की ही कहानियों पर आधारित है बंकिम चंद्र चैटर्जी कंपोज्ड बंदे मातरम For his novel, आनंद मठ विच बिकेम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया तो देखो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जो वंदे मातरम लिखा अपने आनंद मठ यानी अपनी किताब अपनी नॉवल के लिए आगे जाके वो क्या बन गया नेशनल सॉन्ग बन गया हमारे इंडिया का इन द मिडिबल पीरियड हिंदी लिटरेचर मेनली कंसिस्टेड ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल पोएट्री एंड डायलैक्ट लाइक अवधि एंड ब्रिज द मोस्ट फेमस फिगर्स ऑफ दिस पीरियड वर कबीर एंड तुलसीदास तो कबीर और तुलसीदास तो हम अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं आपने कबीर के दोहे पढ़े हैं आपने तुलसीदास के भी काफ़ी सारी जो रचनाएं हैं वो अपनी किताबों में हिंदी की में पढ़ी हैं इन द ट्वेंटी सेंचुरी मुंशी प्रेमचंद एंड भारतेंदू हरिश्चंद्र वर द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर प्रेमचंद नावल्स सच एस गोदान सेवा सदन रंगभूमि एंड कायाकल्प डील्ड विद सोशल इश्यूज सच एज इनक्वालिटी इन द सोसाइटी एंड चाइल्ड मैरिज तो देखो प्रेमचंद ने कितनी अच्छी अच्छी नावल्स लिखी हैं गोदान सेवा सदन तो इन सब में सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से छोटे बच्चों की शादी कर देते थे, थे और सोसाइटी में इनक्वालिटी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जयशंकर प्रसाद सुमित्रा नंदन पंत एंड महादेवी वर्मा the द फेमस हिंदी पोइट्स was remarkable progress रिमार्केबल प्रोग्रेस इन उर्दू लिटरेचर एज वेल तो देखो ये तो हिंदू लिटरेचर पर तो काम हो ही रहा था इसके अलावा उर्दू लिटरेचर पर भी बहुत अच्छा काम हुआ मिर्ज़ा गालिब वॉज पर द फर्स्ट ग्रेट शायर ऑफ उर्दू हु वॉज अ कंटेम्परे ऑफ बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगर एम्पर प्रेम रोट शॉर्ट स्टोरीज इन उर्दू गुलाम अब्बास शादत हसन मंतो राजेंद्र सिंह बेदी कृष्ण चंद्र चंदर एंड इस्मेब्लिश्ड द शॉर्ट स्टोरी एज़ अ मेजर राइटिंग फॉर्म इन उर्दू लिटरेचर तो देखो प्रेमचंद ने भी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी उर्दू में इसके अलावा जो बहादुर शाह जफर के टाइम के थे वो थे मिर्ज़ा गालिब जो कि पहले शायर थे नाउ अदर फेमस राइटर्स ऑफ दिस पीरियड वर फकीर मोहन सेनापति हेमचंद्र उमाशंकर पन्ना लाल राजेंद्र अमृता हरि नारायण वैकम मोहम्मद ओहो कितने सारे लोग थे गुराजाद आ, देन देखिए सुब्रमण सुब्रमण्य भारती वॉज अ फेमस तमिल पोएट तो देखिए इन सारे जितने भी लिटरेरी वर्क इनके जो हैं ये आपको एक बार देखने हैं देखिए कितने फेमस थे ये उस समय पर ना प्रिंटिंग प्रेस इसके बाद तो सारी चीज़ें बहुत बदल गई प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद लिटरेरी वर्क और भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि पहले लोगों को हाथों से लिखना पड़ता था पर अब प्रिंट निकल सकते थे द पार्ट इज ब्रॉड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग टू इंडिया इन द सिक्सटीन सेंचुरी द फर्स्ट बुक वॉज प्रिंटेड इन गोवा इन फिफ्टीन फिफ्टी सेवन

द फर्स्ट newspaper from फ्रॉम द बॉम्बे केम आउट इन सेवनटीन तो बॉम्बे हेराल सबसे पहला न्यूज़ पेपर था आपका बॉम्बे का इट वॉज सोन फॉरवर्ड बाय द बॉम्बे कोरियर एंड द मद्रास कोरियर अमृता बाज़ार पत्रिका द ट्रिब्यून केसरी द हिंदू जो आज भी चल रहा है वर फेमस अ द न्यूज पेपर दैट व प्रिंटेड इन दिस पीरियड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कौन कौन से न्यूज पेपर्स आपके उस समय पर प्रिंट हुआ करते थे न ग्रोथ ऑफ वर्नकुलर प्रेस द समाचार दर्पण इन बेंगोली मतलब देखो अब लोग एक ही लैंग्वेज में नहीं पढ़ते थे चीज़ों को अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ना पसंद करते थे अब भाई किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो तो हिंदी में न्यूज़पेपर चाहेगा ना तो अब वर्नकुलर प्रेस का भी हो चुका था ट्रेंड यानी कि जैसे अगर हम देखें समाचार दर्पण ये बंगाली में होता था फर्स्ट पब्लिश इन एटीन एटीन वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन एन इंडियन लैंग्वेज The Bengal Gazette was another newspaper in Bengali. In 1882, sorry, in 1822, the first Gujarati newspaper named Bombay Samachar was published from Bombay. Maybe newspaper Bengali maybe In 1826, the first Hindi newspaper named the Audant Martand was launched from Bengal. न्यूज़पेपर्स इन वर्निकुलर लैंग्वेज बिकेम अ प्रोमिनेट टूल इन द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स तो जिस समय पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए उस समय न्यूज़पेपर ने बड़ा हमारा साथ दिया क्योंकि उसी में ब्रिटिशर्स की खराब पॉलिसीज उनके द्वारा किए गए एक्सप्लोइटेशन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ मिलता था राजा राम मोहन रॉयज संबद्ध कॉमोडी इन बंगाली एंड मिराटुल अकबर इन पर्शियन एज प्लेटफॉर्म्स फॉर हिज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स Now developments in architecture. The coming of Europeans, such as the British, Dutch, French, and Portuguese, led to the introduction of various European architecture styles in India. So Europeans, when they to they brought with them Dutch Dutch culture, French French culture, British English culture. The European powers constructed many utilitarian structures in the trading and administrative centers that they set up. Local craftsmen were also trained to develop new skills and use them. Remnants of these styles can still be seen in places such as Puducherry and Goa. Colonial architecture is a part of India's diverse culture. Kafisari monuments, Kafisara buildings, aaj bhi humein logon ko milti द ब्रिटिश बिल्ट मोन्यूमेंट्साइड द पॉवर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सच एज दाइटी विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता तो देखो जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो अपनी शानो शौकत को दिखाने के लिए यहाँ पर उन्होंने काफी लैविश और काफी ग्लोरिफाइड बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया उनमें से एक एग्जाम्पल है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का इन द नाइनटीन टवेंटीज एंड नाइनटीन थर्टीज अच आर्किटेक्ट ली Corbusier visited India. He designed the beautiful buildings of Chandigarh such as the Secretariat. Impressive examples of colonial architecture can be seen in hill stations such as Shimla and Darjeeling and containment areas of cities such as Delhi and Lucknow. To the point, इसमें हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स बनवाए, इसके अलावा शिमला, दार्जिलिंग में भी काफी उनका आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा कैंटोनमेंट एरिया दिल्ली और लखनऊ के भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं नाउ इट इज अ केस स्टडी यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस ग्रुप यू द क्वेश्चन बाय योर ओन ओके क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी इजी यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ ट्राई टू फाइंड आउट द इवन इफ यू हैव एनी डाउट